प्रशासन ने आसपास का इलाका खाली करा दिया है। आग लगने की वजह केमिकल फैक्ट्री सके पास खड़े टैंकर में उड़ी चिंगारी की वजह से हुई है। लगातार बढ़ती आग से इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। जल्द ही आग को पूरी तरह से काबू में ले लिया जाएगा। तो आग ने पल भर में ही तांडव का रूप धारण कर लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो वहीं गोदाम में जो भी माल रखा था सब जलकर खाक हो चुका है। सानू केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। एक चिंगारी की वजह से इतनी भयंकर आग लगी। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग पूरा मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ जुड़े गए हैं मधु मोहन संवाददाता। मधु, जिस तरीके से यहां पर आग लगी है, क्योंकि 3 के लगभग घंटे बीत चुके हैं बट अभी तक इस पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्या स्थिति है फिलहाल की? आपको बता दें, ये दोपहर करीब 1 बजे आग लगी थी और 5-6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी जो सूचना प्राप्त हुई है जो मौके का हम लोग हैं, यहाँ 6 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कम से कम 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर लगाई गई थी फायर ब्रिगेड की और सब आला अधिकारी मौके पर, जिला अधिकारी कानपुर जो DM है वो मौके पर आ गए थे, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान की बात करी जाए तो लाखों नुकसान की बात अभी सामने आ रही, क्योंकि भी पानी काफी है और हल्का फल्का धुआं है, कोई इतना जा नहीं पा रहा है। मधुर, आग लगने की वजह क्या सामने आई है? बताया ये जा रहा, जो वहाँ के फैक्ट्री के कर्मी है उनका कहना था कि लंच टाइम था, बाहर लंच कर रहे थे, एक को टैंकर आया था जिसमें केमिकल भरा था और जब गाड़ी स्टार्ट की गई तो उसमें चिंगारी निकली थी, उस चिंगारी से आग लगी है। जी जी, मधुर, आसपास के जो और भी फैक्ट्री है क्या वो भी आग की चपेट में आई है? हाँ, जो ये साइनो केमिकल फैक्ट्री उसके बगल में एक पेपर फैक्ट्री थी जिसमें आग पकड़ लिए थे, उससे भी पूरा जल के खाक हो गई और अगल बगल कितनी और फैक्ट्री सब खाली करवा ली गई थी, जो भी कर्मी थे सबको बाहर निकाल दिया गया, जितने भी दमकल के लोग थे उन्होंने आग पे काबू पाने के लिए चारों तरफ से फैक्ट्री घेर रखा था और 1.5 दर्जन में गाड़ी मौके पर थी। मधुर, क्या अभी भी आला अधिकारी मौके पर मौजूद है? जी हाँ, बात की जाए तो CFO जो कानपुर CFO है जेल विभाग के, वो मौके पे हैं, बाकी जितने भी अधिकारी वो जा चुके हैं, लेकिन आग से काबू पूर्ण तरीके से पा लिया गया। जी शुक्रिया मधु मोहन दुबे इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए, बाकी आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और वहीं इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है, ये खबर हमारे पास आ रही है। सानू केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और इस आग की वजह एक चिंगारी बताई जा रही है। एक चिंगारी की वजह से इस आग ने तांडव का रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, क्योंकि 5-6 घंटे बीत चुके हैं तब जाकर आग पर काबू पाया गया है। गाजियाबाद से चाकूबाजी का लाइव सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिससे